अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपको कुछ मजेदार सी चीज सिखाने वाला हूँ और वो मजेदार सी चीज है अल्फा चैनल। जाहिर है आप टाइटल ऑलरेडी देख चुके हो, अल्फा चैनल। पिछली बार मैंने जब चैनल्स पढ़ाए थे तो वो थे कलर वाले चैनल्स। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज ये लिंक दिया हुआ है, इसमें जाकर के देख लें। कलर चैनल्स डिफरेंट होते हैं, अल्फा चैनल्स डिफरेंट होते हैं। सो अल्फा चैनल क्या चीज है वो आज हम समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो यहां अगर आप देखें तो मैंने एक ब्लैंक इमेज लिया हुआ है और इसमें मैं बना रहा हूं एक अदद सिलेक्शन, कुछ अजीब सी सिलेक्शन। मैं रैंडमली कुछ चीजें कर रहा हूँ, ये आई होप आप लोगों को पता है कि सेलेक्शन ऐड किस तरह से होती है। जस्ट शिफ्ट दबा दिया करें एंड देन जैसे आप सेलेक्शन बनाएंगे वो ऐड होने लगेगी। अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो माइनस होने लगेगी। आई नो आप लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मैं बात कर रहा था अल्फा चैनल की और मैं कर रहा हूँ सेलेक्शंस, क्यों कर रहा हूँ वो अभी आप लोगों को दो मिनट में समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इफ मुझे ये सिलेक्शन सेव करनी है अपने पास, और सेव करने का पर्पस ये है कि मैं बार बार इस सिलेक्शन को लोड कर सकता हूं और इस पर कुछ काम कर सकता हूं। नाउ ये वाली सिलेक्शन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वाली सिलेक्शन, आप पेन टूल से भी सिलेक्शन बना रहे हैं, क्विक सिलेक्शन से भी सिलेक्शन बना रहे हैं, मैजिक वांड से भी सिलेक्शन बना रहे हैं। जिस भी तरह की सिलेक्शन हो वो आप सेव कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, आपने कोई भी सिलेक्शन टूल लेना है यहाँ से। जैसे मैंने ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हुआ है, राइट क्लिक करें अपने सिलेक्शन के बीच में और जैसे ये मेन्यू आता है डी सेलेक्ट सेलेक्ट इनवर्स वगैरह वगैरह वगैरह, यहां अगर आप देखें आकर के तो ये आपके पास दिया हुआ है सेव सिलेक्शन। नाउ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसका मैं नाम दे देता हूं, लेट से मैंने इसका नाम दे दिया अजीब सी सिलेक्शन, सही है ना। सो इसको ओके करें। नाउ इंटरेस्टिंगली मैंने ये सिलेक्शन हटा दिए और इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि कहां सेव करना है, क्या करना है। एक्चुअली ये आपकी हार्ड ड्राइव में सेव नहीं हुई है, ये आपकी इसी फाइल में सेव हुई है, मतलब आपकी PSD में सेव हुई है। और ये कहाँ सेव हुई है, अगर आप आ जाए यहाँ चैनल्स पे तो ये रही आपकी अजीब सी सिलेक्शन। अब मजेदार सी बात ये है कि जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो यहाँ पर वाइट से शो हो रहा है। नाउ रिमेम्बर, ये जो अजीब सी सिलेक्शन लिखा हुआ है इसका असल नाम जो है ये है अल्फा चैनल। अगर आप यहां से आकर के न्यू चैनल लेते हैं तो ये एक और अल्फा वन आ गया। अब ऑब्वियसली जिस तरह से आप न्यू लेयर लेते हैं तो लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री इस तरह से नाम आ रहे होते हैं, लेकिन अल्फा चैनल है जब आप न्यू लेंगे तो ये अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री इस तरह से नाम दे रहा होगा। राइट, नाउ पर्पस क्या है? पर्पस कुछ नहीं है। अभी अभी आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक सिलेक्शन बनाई और उसको सेव कर लिया और वो सीधा सीधा आकर के एक अल्फा चैनल उसने बना दिया। अब इस सिलेक्शन को लोड कैसे करेंगे? नाउ दो तरीके हैं। एक तरीके का तो ये कि आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, राइट क्लिक करें अपनी कैनवस पर ही और आपके पास यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है लोड सिलेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछ रहा है कौन सा चैनल लोड करूं। सीधा ये चैनल लोड कर रहा है और चैनल हमारा है यही अजीब सी सिलेक्शन। ओके करें, ये आपकी सिलेक्शन वापस आ गई। अब जितनी बार भी आप चाहें लोड कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार लोड करने का, सेलेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहां से आपके पास आ रहा है लोड सिलेक्शन एंड ये रही आपकी फिर से वही अजीब सी सिलेक्शन। ओके करें। अगर आप चाह रहे हैं कि जी इन्वर्ट हो जाए तो आप इन्वर्ट कर लें। अब इसको छोड़ करके बाकी एरिया सारा सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। एक और लास्ट तरीका, नाउ अगर आप अपने लेयर्स पर ही हैं, चैनल पे जाएंगे, कहीं पर भी क्लिक ऐसे ही मत कीजिएगा, कंट्रोल का बटन दबाएं और इस सिलेक्शन के थंबनेल पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपकी सिलेक्शन लोड हो जाएगी। अब वापस आप अपने लेयर पे आ जाएं और जो काम करना है कर लें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पर ये रेड कलर फिल करना चाह रहा हूँ, सिंपली मैंने इस तरह से रेड कलर फिल कर लिया। आई होप रेड कलर जो फोरग्राउंड कलर जो मैंने फिल किया है इसका शॉर्टकट याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर मैं बता दूं, ऑल्ट बैकस्पेस या ऑल्ट डिलीट से आप फोरग्राउंड कलर फिल करते हैं, कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैकस्पेस से आप बैकग्राउंड कलर फिल करते हैं और ये हो गई आपकी सिलेक्शन। सो नाउ दिस इज इट, ये था आपका अल्फा चैनल। अब अल्फा चैनल को ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। सीरियसली ये सिर्फ आपकी एक सेव्ड सिलेक्शन है और इसके और बहुत सारे काम हैं। आगे हम इससे बहुत मजेदार सी चीजें करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।
नहीं नॉट ट्यून्ड मतलब दोबारा आइएगा जरूर देखने हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी अल्फा चैनल से बहुत कुछ और करने वाले हैं. सो अब याद रखिएगा सेफ सेलेक्शन, अल्फा चैनल इज नथिंग बट अ सेफ सेलेक्शन, राइट. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.